कहाँ तक थे, कौन कौन साहब आए हैं? दीना कुमार, यू लगते हैं ये सर नए हैं। ओम ओम प्रकाश जी हैं, ये तो हमारे पुराने हैं। देखिए कौन कौन को कितने लोग हैं, दिखाओ। वहां तक नहीं थे, अब आगे बढ़ रहे। चौहान राजवंश तक हो गया था, चंदेल राजवंश। आज बात करने जा रहे हैं चंदेल राजवंश की। चौहान राजवंश तक पढ़ा दिए थे, अब सुनिए चंदेल राजवंश। चंदेल राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम नन्नुक था। इसको लगा दीजिए गेट को। चंदेल राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम नन्नुक था। चंदेल शासकों की प्रारंभिक राजधानी कालिंजर थी, बाद में खजुराहो को राजधानी बनाया गया था। खजुराहो वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। चंदेल राजवंश के शासक यशोवर्मन ने खजुराहो में विष्णु मंदिर का निर्माण कराया था। इसे हम चतुर्भुज मंदिर के नाम से भी जानते हैं। चंदेल राजवंश के शासक धंगदेव ने खजुराहो में कंदरिया महादेव की मंदिर का निर्माण कराया था और इस मंदिर के परिसर में नंदी का मूर्ति स्थित है जो सबसे बड़ा है। चंदेल राजवंश की बात करते हैं तो चंदेल राजवंश का सबसे शक्तिशाली शासक विद्याधर था। चंदेल राजवंश का अंतिम शासक परमर्दी देव था और परमर्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और हम देखते हैं इस प्रकार चंदेल राजवंश का अंतिम शासक परमर्दी देव था और परमर्दी देव ने कुतुबुद्दीन ऐबक के सामने आत्मसमर्पण कर दिया था। और इस राजवंश के बारे में इतिहास में इतनी जानकारी मिलती है। हम देखते हैं मालवा के परमार राजवंश। मालवा के परमार राजवंश की स्थापना उपेंद्र या कृषिराज नामक व्यक्ति ने किया था। मालवा के परमार राजवंश के शासक वाक्पति मुंज के दरबार में पदमगुप्त एवं धनंजय जैसे विद्वान रहते थे। पदमगुप्त ने नवशासांचैत्र जैसी पुस्तक की रचना की थी, तो वहीं धनंजय ने दस रूपक जैसी पुस्तक की रचना की थी। मालवा के परमार राजवंश का सबसे प्रसिद्ध शासक राजा भोज था। राजा भोज की विद्वता को देखते हुए उन्हें कविराज की उपाधि प्रदान की गई थी। राजा भोज बहुत बड़ा ज्योतिषी थे। इन्होंने श्रृंगार प्रकाश, श्रृंगार मंजरी एवं समरांगन सूत्रधार जैसी पुस्तक की रचना की थी। और राजा भोज बहुत बड़ा ज्योतिषी थे और अपने परिवार के बीच अपना जन्म कुंडली देख रहे थे। जन्म कुंडली देखते देखते राजा भोज काफी उदास हो गए। उनकी रानी बोली, राजा आप कितना अच्छा खुश थे, आप एकाएक उदास क्यों हो गए? राजा भोज बोले, रानी मेरे ऊपर 10 मिनट के अंदर शनि एवं राहु की महादशा शुरू होने जा रही है। रानी बोली, इसे क्या होता है? राजा भोज बोले कि जिस इंसान पर राहु और शनि की महादशा एक साथ शुरू हो वो अच्छा नहीं होता। उसका नाम, शोहरत, इज्जत, प्रतिष्ठा, धन, दौलत सब समाप्त हो जाता। रानी बोली कि ज्योतिष के हिसाब से सारी बातें तो सही नहीं होती। राजा भोज बोले, होती है, बशर्ते उसका डेट ऑफ बर्थ सही हो और भविष्यवाणी कैलकुलेशन के आधार पर किया जाए, मैथ के आधार पर किया जाए, तो हर एक सेकेंड की घटना के बाद जानकारी प्राप्त की जा सकती है। रानी, मेरा डेट ऑफ बर्थ बिल्कुल सही है। ये इतना बोलते ही 10 मिनट का समय बीत गया। एक शोर मच गई। राजा भोज, राजा भोज, राजा भोज, राजा भोज, राजा भोज महल से बाहर निकल का है। बोले, क्या हुआ? लोगों चीखते हुए कहा कि राजा भोज, दुश्मनों ने आपके राज पर आक्रमण कर दी है, चारों तरफ से आग लगा दी है। यह सुनकर राजा भोज बीमार पड़ गए। अंत में राजा भोज की मौत हो गई। राजा भोज की मरने के बाद भी ये आक्रमणकारी धारा नगरी को लूटते रहे। राजा भोज की राजधानी धारा नगरी थी। राजा भोज ने अपनी राजधानी धारा नगरी में सरस्वती मंदिर का निर्माण कराया था।
इस मंदिर के परिसर में एक संस्कृत विद्यालय स्थित था। राजा भोज की मृत्यु के साथ ही धारा नगरी, जो विद्या का महत्वपूर्ण केंद्र थी, वह समाप्त हो गई, मानो सरस्वती कहीं और चली गई हो। अब देखें, कलचुरी राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम कोक्कल प्रथम था। कलचुरी राजवंश की स्थापना एक राजा ने किया था जिसका नाम कोक्कल प्रथम था। कलचुरी शासकों की राजधानी त्रिपुरी थी और यह स्थान वर्तमान समय में मध्य प्रदेश में स्थित है। कलचुरी राजवंश के शासक की बात करते हैं तो कलचुरी राजवंश के शासक युवराज प्रथम को राजशेखर जैसे विद्वान ने उज्जैनी भुजंग कहकर संबोधित किया था। इससे लगता है कभी न कभी युवराज प्रथम उज्जैन को जीता होगा। कलचुरी राजवंश के शासक लक्ष्मण राज ने उड़ीसा पर आक्रमण करके कालिका नाग की मूर्ति को वापस लाया था। यह कालिका नाग की मूर्ति हीरे मोतियों से बनी हुई थी। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में लिंगराज की मंदिर स्थित है। इसका निर्माण पूर्वी गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने किया था। उड़ीसा के पुरी में कोणार्क मंदिर स्थित है। यह सूर्य का मंदिर है, इसे हम ब्लैक पेगोडा के नाम जानते हैं। इस मंदिर का भी निर्माण पूर्वी गंगवंश के शासक नरसिंह देव प्रथम ने ही किया था। उड़ीसा में जगन्नाथ मंदिर स्थित है। इसका निर्माण पूर्वी गंगवंश के शासक अनंत वर्मन ने किया था। उस समय मंदिर निर्माण करने के तीन शैली प्रचलन में थी। शैली मतलब डिजाइन। उस समय मंदिर निर्माण करने के तीन शैली प्रचलन में थी, नागर शैली, बेसर शैली एवं द्रविड़ शैली। नागर शैली का प्रचलन हिमालय से लेकर विंध तक था, यानी विंध पर्वत। तो बेसर शैली का प्रचलन विंध से लेकर कृष्णा नदी तक थी। तो द्रविड़ शैली का प्रचलन कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक थी। उड़ीसा में जो भी मंदिर का निर्माण किया गया था वह नागर शैली में किया गया था। राजपूतों का इतिहास कर्नल टॉट ने लिखा था, तो वहीं मराठों का इतिहास ग्रांड टफ ने लिखा था। गुजरात के सोलंकी चालुक राजवंश के शासक की बात कर रहे हैं। गुजरात के सोलंकी चालुक राजवंश की स्थापना मूलराज प्रथम ने किया था। मूलराज प्रथम ने अनहिलवाड़ को अपनी राजधानी बनाया था। गुजरात के सोलंकी चालुक्य राजवंश के शासक भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनबी ने 1025 से 26 ईस्वी में सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण किया था। सोमनाथ का मंदिर गुजरात के पाटन नामक स्थान पर स्थित है। यह शिव का मंदिर है। हुआ यह था कि महमूद गजनबी बनौटा घोड़ा पर सवार होकर आया और मंदिर के गेट पर खड़ा हो गया, और जितने भी ब्राह्मण थे पुजारी सारे लोग ढोल बाजा मृदंग बजाने लगे। महमूद गजनबी बनौटा घोड़ा पर सवार हाथ में तलवार लिए हुए कहा, मेरे जवान, ये ब्राह्मण ये ढोल बाजा मृदंग क्यों बजा रहा है? उसकी सेना ने बताया कि ये ब्राह्मण का कहना है कि मेरा बाबा भोला सोए हुए हैं, उन्हें जगा रहा है। इनका कहना है अगर मेरा बाबा भोला जग गए तो इन ब्राह्मणों को बड़ी मार मारेंगे, यानी ये ब्राह्मण ये मेरे बाबा भोला जग जाएंगे तो महमूद गजनबी को बहुत मार मारेंगे। ये सुनते ही महमूद गजनबी कहा, जे बात, कहा जे बात, ला तो हथौड़ा रे। हथौड़ा लिया और मंदिर के अंदर प्रवेश करके शिवलिंग पर चलाया एक हथौड़ा, और देखा शिवलिंग हथौड़ा का सम्मान करते हुए शिवलिंग दो भागों बट गया। ब्राह्मण ने देखा कि एक हथौड़ा चलने पर मेरा शिवलिंग दो भागों बट गया, यही हथौड़ा अगर हम पर चल जाएगा तो मेरा क्या होगा? ब्राह्मण लिख कबड्डी भाग गया। इस प्रकार महमूद गजनबी का भारत पर सोमनाथ के मंदिर पर आक्रमण यह सबसे महत्वपूर्ण आक्रमण माना जाता है। महमूद गजनबी के वापस जाने के बाद भीम प्रथम ने सोमनाथ के मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। गुजरात के सोलंकी चालुक राजवंश के शासक जयसिंह शैव धर्म में आस्था व्यक्त करते हुए सिद्धराज की उपाधि धारण की थी। जयसिंह ने अपने पूर्वजों की मूर्ति गजारोही प्रकार का बनवाकर राजस्थान के आबू पर्वत पर स्थापित कराया था। गज का मतलब होता है हाथी, गजारोही का मतलब हाथी पर बैठा हुआ। गुजरात के सोलंकी चालुक राजवंश का अंतिम शासक भीम द्वितीय था। भीम द्वितीय के शासनकाल में 1178 ईस्वी में मोहम्मद गोरी को
राजस्थान के आबू पर्वत के समीप पराजित किया गया था। यह भारत की धरती पर मोहम्मद गोरी की पहली पराजय थी। 1191 ईस्वी के तराइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को पराजित किया। यह भारत की धरती पर मोहम्मद गोरी की दूसरी पराजय थी। हाँ, आपका बहुत लेट हो गया आपका। मोहम्मद साहब, हाउ आर यू? वेरी गुड, आई एम फाइन। हाँ, और आई एम फाइन। आप कैसे हैं? आप कैसे हैं? देखें कहाँ तक थे। अच्छा, चलिए कहाँ तक पढ़ के आने के लिए कह रहे, कुछ याद है? हाँ? पचासी तक नहीं था ये, जब बताएं तो पेज नंबर कितना तक हम पढ़ के आने के लिए बोले थे? अच्छा, ये बताएंगे पेज नंबर। हाँ, आ गया है 79। यहीं तक था? हाँ, यहीं तक था। अच्छा, अभी टाइम कितना हुआ था पूछ लेंगे था। अच्छा, हम थोड़ा सा पूछेंगे। पहले पेज नंबर आप लिख लीजिए कल के लिए। देखिए, 2 दिन का टाइम मिल रहा है आपको, तो 2 दिन का टाइम मिल रहा है, 2 दिन में टाइम में कीजिएगा, पढ़िएगा ना। ये सब हो गया है। पेज नंबर 80 से लेकर, इसका हम पूछेंगे, पेज नंबर 80 से लेकर कहाँ तक? पेज नंबर 80 से लेकर आप कितना है? पेज नंबर 87। पेज नंबर 87, 80 से पेज नंबर 87 तक आप पार कराएंगे। ये कहां 87 ने क्यों नहीं लिखाया, इधर क्यों नहीं लिखाया? ये पहलवान में जाता है। हाँ, और इस तरह के बहुत मैसेज आते हैं। और मेरा जो हम आपको जो नोट्स दिए है ना, ये पूरे दिल्ली में चलता है। जो नोट्स हम आपको दिए हैं, मेरा जो नोट्स आपको दिया गया है, हम इन्हें अपने से बोलते हैं क्या बोलना है। जिस काम से आए हैं वह काम करेंगे। जो नोट्स आपको प्रोवाइड किया गया है, उस नोट्स में एक चीज देखिएगा, हर एक लाइन में फैक्ट भरा हुआ है। एक लाइन इधर उधर नहीं लिखा हुआ, हर एक लाइन में फैक्ट लिखा गया है। और ये नोट्स जो है, दिल्ली में हर एक कोचिंग के लड़के के पास देखिए मेरा नोट्स है, पढ़ता है वहां पर, लेकिन इतिहास को समझने के लिए इस कॉपी को ही देखता है। हाँ, समझ गए। हम ये सब चीज की जिक्र नहीं करते, लेकिन आप जब हमें कहते हैं तो फिर शहंशाह बोलता है। और 80 से 87 तक पढ़ के आना है, और ये प्राचीन भारत समाप्त होगा। और सोमवार, प्राचीन भारत सोमवार को समाप्त होगा, सोमवार को ना? हाँ, सोमवार को प्राचीन भारत समाप्त करेंगे। ये दक्षिण भारत है, प्राचीन भारत में दक्षिण भारत है। दक्षिण भारत भारत में कहीं नहीं पढ़ाया जाता है, क्योंकि दक्षिण भारत बहुत टफ है, लेकिन शहंशाह पढ़ाता है होल सिलेबस। तो सोमवार को आएंगे ही, 80 से 87 पेज पढ़कर ही। लेकिन एक बात और याद रखना है, मंगलवार से हम मेडिवल हिस्ट्री शुरू करेंगे, मध्यकालीन भारत। और मध्यकालीन भारतीय इतिहास का पहला क्लास करना बहुत जरूरी है। अगर पहला क्लास समझ गए तो पूरे मेडिवल को आप समझ जाएंगे। अगर पहले क्लास को नहीं समझ पाए तो पूरे मेडिवल को नहीं समझ पाएंगे। और मंगलवार से इतिहास में बदलाव आने जा रही है, क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री, अभी तक होता था माताजी, पिताजी, भैया,
अब होगा भाभी जान, अब होगा ए भाभी जान, ए बेगी जान, बेगम जान, अबू जाम, अजाब अदाब। वो दिन दूर नहीं दिल्ली की धरती पर घोड़ा दौड़ेगा टप टप टप, और युद्ध भूमि चीखेगी। मेडिवल हिस्ट्री की एक खासियत रहेगी और बहुत पढ़ने में मजा आएगा। और तो देखें क्या आया है सर, आई एम राज, क्या लिखे हैं सर, मैं राजस्थान से हूँ। अरे अरे वाह राजे जी, राजस्थान से हमको नहीं ले जाएंगे राजस्थान। राजस्थान वीरों की टोली रही है, राजस्थान वीरों की टोली रही है। इसको बता दीजिए तो कैसे क्या डाउनलोड किया गया बताए। मन थोड़ा सा भी दिक्कत है बोलना है दीना जी, अब लगता है नए हैं, और जो लड़के पहले से पढ़ रहे हैं उनसे भी कुछ संपर्क लेकर पूछिए और बता दीजिए। जस खड़ा होकर नोट यहाँ पर आकर बोलिए, यहाँ पर आकर बताइए। दीना कुमार, आपका आप स्टडी में जाइए और वहां पे सरकार नोट्स 6 पार्ट में दिया गया है। आप उसमें देखेंगे कि चैप्टर वाइज आपको मिलेगा सारा, अलग अलग पार्ट में अच्छे से 6 पार्ट को डाउनलोड कीजिए। डाउनलोड करके आप प्रिंट ले लीजिए, उसका प्रिंट लेकर के सबको अरेंज कीजिए, फिर क्लास में आप आइए, सारी बातें समझ में आएगी। एक भी चैप्टर मिसिंग नहीं है सर, मैं खुद चेक किया इसको। अच्छे से आप लोग पढ़ाई कीजिए और मंडे का क्लास मिस नहीं करना है अब, क्योंकि अब जो क्लास आएगा वो काफी इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन के दृष्टिकोण से। ठीक है, थैंक यू। हाँ समझ गए जासा, उसके हम शुरू से सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली से हम जितना अभी तक पढ़ाए हैं उसमें जो जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं हम अभी पूछेंगे। वक्त आज मिल गया है जासा आपका, हम मैसेज पढ़ लेते हैं क्या क्या लिखे हैं। वीडियो हो जाएगा फिर, और वीडियो को रिफ्रेश करेंगे तो अपने आप चलने लग जाएगा ये। हाँ नेक्स्ट वीडियो, इसमें कोई अति नहीं है। क्या लिखे हैं, 5 पार्ट में है। हाँ 5 पार्ट में, 5 पार्ट में भेजे हैं। हाँ 5 पार्ट में है, सही बात है नितेश जी, 5 पार्ट में है। एक दूसरे से संपर्क कैसे स्थापित, क्या लिखे हैं। हाँ थोड़ा सा आपका मैसेज था पढ़े हैं, हमको मैसेज पढ़ने बहुत मजा आता है। क्या लिखे हैं सौरभ बाबू, एडमिन क्या लिखे हैं, एडमिन बोर्ड के सेंटर में ट्यूबलाइट का रिफ्लेक्शन और हो रहा है। जुलाई अच्छा, ये लुक रियल जल रहा है। हाँ ठीक है, वीडियो शेयर ट्रांसफर आपसे क्लास, क्या लिखे हैं आपसे क्लास लेना। ठीक है सर, सर मैं वेस्ट वेस्ट यूपी से हूँ, आपकी क्लास मिस कर, कैसे मिलेगी। अरे ठीक है, अब देखिए प्रश्न कर रहा है, पूछे तैयार हो जाएं। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, याद पढ़िए।
ऑप्शन में हम आधा ही देंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, तेजी तेजी लिखते जाएंगे। सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, आगे क्या लिखिएगा, आप हम बोलते जाइएगा, सुनिए ना, बोलते जाइएगा, आंसर आते जाएगा। तो सिंधु सभ्यता की लिपि कैसी थी, भाव चित्रात्मक, ठीक है। ये बताएं कि ऋग्वेद में एक आभूषण के विषय में जानकारी मिलती है जिसका नाम है निस्क। ये निस्क गले में पहना जाने वाला हार था, बताना है ये निस्क क्या चीज का बना हुआ था। ये निस्क लिख दिए हैं, देखते जाइए, सोने का, वेरी गुड। इधर आप देखिए, ये बताए सिंधु घाटी सभ्यता में मोहनजोदड़ो की जो हम बात कर रहे हैं, तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है। मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला, वेरी गुड। ये हमें बताएं कि महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, याद पाड़िए, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, तेजी तेजी बोलते जाएं, महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, देखते जाइए। महावीर स्वामी का वास्तविक नाम क्या था, वर्धमान, ठीक है। ये बताएं महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, देखिए यहां पर, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, वास्तविक नाम, महात्मा बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था, सिद्धार्थ, ठीक है। ये बताएं कि महात्मा बुद्ध, हमको ये बताएं महावीर स्वामी का जन्म कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद पारिए, महावीर स्वामी का जन्म कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था। यहां पर हम क्या डालें, महावीर स्वामी का जन्म कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था, 540, वेरी गुड, सही आंसर है 540 ईस्वी पूर्व। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था, याद पाड़िए, महात्मा बुद्ध का जन्म कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था, तेजी तेजी करते जाएं, महात्मा बुद्ध का जन्म कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था, कितने ईस्वी पूर्व में हुआ था, 563, हमको आंसर बताते जाइए, 563 ईस्वी पूर्व। ये बताएं कि महावीर स्वामी के पिता का नाम क्या था, याद पा रही है, महावीर स्वामी के पिता का क्या नाम था, याद पा रहे हैं, वेरी गुड, सिद्धार्थ, सही आंसर है। तो ये बताएं कि महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, याद पा रहे हैं, महात्मा बुद्ध के पिता का क्या नाम था, पिता का क्या नाम था, पिता का नाम क्या था, सुदोधन, सही आंसर है। ये बताइए महात्मा महावीर स्वामी के माता का नाम क्या थी, याद पाइए,
ठीक है। महावीर महात्मा बुद्ध के माता का क्या नाम था? महात्मा बुद्ध के माता का नाम क्या था? महामाया सही आंसर है। यह हमें बताएं कि महावीर स्वामी के पत्नी का नाम यशोदा थी, तो महात्मा बुद्ध के पत्नी का नाम क्या था? देखते जाइए। यशोधरा सही आंसर है। ये बताएं महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया था? महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया था? बढ़ गया। कितने वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया? महावीर स्वामी कितने वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया? 30 वर्ष की अवस्था में। सही आंसर है। तो महात्मा बुद्ध कितने वर्ष की अवस्था में घर का त्याग किया? वेरी गुड, सही आंसर है। ये बताएं महावीर स्वामी ने प्राकृत भाषा में अपना उपदेश दिया था, तो महावीर स्वामी अपना उपदेश प्राकृत भाषा में दिया था, तो महात्मा बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में दिया था? आप भी बोलिए। बिल्कुल पाली सही आंसर है। ये हमें बताएं आप, अम्रपाली कहां के रहने वाली थी? अम्रपाली कहां की रहने वाली थी? याद पाड़िए। अनुपाली कहां के रहने वाली थी? अनुपाली कहां के रहने वाली थी? याद है, अजातशत्रु गया था, दरवाजे 3 बनाओ क्या, खट खट क्या, वैशाली। वेरी गुड। यह बताएं कलिंग कहां पर है? वर्तमान समय कलिंग कहां पर है? देखते बताइए। देखें वर्तमान समय में कलिंग कहां पर है, याद पाड़िए। याद पाड़िए, देखिए कहां पर है। उड़ीसा। सही आंसर है पंकज जी। क्या लिखे हैं? उड़ीसा। कलिंग वर्तमान समय में उड़ीसा में स्थित है। कॉपी में लिखा हुआ भी और लेक्चर भी दिए हैं। यह हमें बताएं कि चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को ग्रहण किया था? चंद्रगुप्त मौर्य अपने जीवन के अंतिम समय में किस धर्म को ग्रहण किया था? तेजी से बोलें, किस धर्म को ग्रहण किया था? सही आंसर है जैन धर्म। यह बताएं मौर्य वंश का वह कौन राजा था जो एक युद्ध लड़ा, उसके बाद फिर कभी युद्ध नहीं लड़ा और वह बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया था? मौर्य वंश का वह कौन राजा था जो एक युद्ध के बाद बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, फिर कभी युद्ध नहीं किया? देखिए देखिए, सही आंसर है अशोक। वेरी गुड। यह हमें बताएं कि अशोक अपने पुत्र महेंद्र एवं पुत्री संघमित्रा को बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए कहां भेजा था? कहां भेजा था? यहां देखें, याद पा रहे हैं?
कहाँ लिखा है देखिए तो, श्री लंका सही आंसर है। ये बताएं बौद्ध धर्म का अंतिम शासक कौन था, याद पढ़ें, मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, जो पूछ रहे हैं सब एग्जाम में यही पूछवे करेगा, सहंसा बोल दिया तो एग्जाम में आएगा इतना तय। कहाँ भेजा था, सही यहां से बोलते जाइए हमको, क्या है आ गया है, श्री श्रीलंका सही आंसर है। यानी मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन, बृहद्रथ, मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहद्रथ। ये बताएं बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना किसने की, बृहद्रथ की हत्या करके शुंग राजवंश की स्थापना किसने की, याद पा रहे हैं, शुंग राजवंश की स्थापना किसने की, समय होते 5 मिनट पहले बोल देवे, कुछ अहां से गप कर रखे हमारा। पुष्यमित्र क्या है आंसर, पुष्यमित्र सुंग सही आंसर। यह बताएं पुष्यमित्र सुंग की दो राजधानियां थी, पाटलिपुत्र एवं, पुष्यमित्र सुंग की दो राजधानियां थी पाटलिपुत्र एवं, एक हम बता रहे एक का आप नाम बताइए। पुष्यमित्र सुंग की दो राजधानियां थी पाटलिपुत्र एवं, उस जगह का नाम बताएं, पाटलिपुत्र एवं, पाटलिपुत्र एवं, पाटलिपुत्र एवं, याद पढ़िए देखिए यहां पर, पाटलिपुत्र एवं याद पढ़िए, पुष्यमित्र सुंग की दो राजधानियां थी पाटलिपुत्र एवं, पाटलिपुत्र एवं, याद पा रही है तो, पाटलिपुत्र एवं विदिशा, वेरी गुड, बहुत अच्छा हमें लगा, पाटलिपुत्र एवं विदिशा। यह मैं बताएं कि गुप्त राजवंश की जब हम बात करते हैं, गुप्त राजवंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा गया, गुप्त राजवंश के किस राजा को भारत का नेपोलियन कहा गया, भारत का नेपोलियन कहा गया, यहां देखें, यहां पर देखें आप, याद पढ़िए, भारत का नेपोलियन कहा गया, सही आंसर है समुद्रगुप्त। यह हमें बताएं कि यह हम जानना चाहते हैं कि हर्षवर्धन अपनी बहन को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर से बदलकर कहां ले गया, याद पा रहे हैं, कहां ले गया हर्षवर्धन अपनी बहन को प्रशासनिक कार्यों में सहयोग देने के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर बदलकर कहां ले गया, कन्नौज सही आंसर है। यह हमें बताएं आप, पाल शासकों की राजधानी कहां थी, पाल शासकों की राजधानी कहां थी, पाल शासकों की राजधानी कहां थी, याद पा रहे हैं, पाल शासकों की राजधानी कहां थी, पाल शासकों की राजधानी कहां थी, सही आंसर है मुंगेर। ये बताएं सेन शासकों की राजधानी कहां थी, याद पा रहे हैं, सेन शासकों की राजधानी कहां थी,
सेन शासकों की राजधानी कहाँ थी? सेन शासकों की राजधानी कहाँ थी? लखनऊ थी। सही आंसर है लखनऊ थी। ठीक है, आज की मुलाकात बस इतनी, चलें। बढ़िया से पढ़ना है, घबराना नहीं है। हाँ ठीक है, और घबराना नहीं है, ठीक है, ओके, चलिए। हाँ, और दूं मैं बैठे, चलिए।